सर आप बता रहे थे TIR होता है रेनबो में, तो कैसे कैसे रे डायग्राम है उसका, कैसे कैसे TIR होता है? लाइट इधर पीछे ऐसे कुछ आती है ना? अच्छा फिर क्या होती है? पहले रिफ्रैक्शन, फिर इधर TIR, फिर रिफ्रैक्शन, ऐसा है ना? दो रिफ्रैक्शन है TIR, नहीं नहीं प्राइमरी में ही आए सेकेंडरी में बोलो, थोड़ा ऊपर से सेंटर से पास नहीं कराना चाहते। ऐसे कुछ अब ये है इसका केंद्र। अब मैं इसको मिला देता हूँ, ये क्या बन गया? ये नॉर्मल बन गया। ये कुछ कोण है ना आई जी, और ये कुछ कोण है आर। अगर ये एरो पलट देते हम, इधर से रोशनी ऐसे जाती तो कहाँ जाती आगे? रिवर्स चली जाती है ना। अगर एरो पलट दूँ मैं, अभी इधर से रोशनी ला रहा हूँ, वो इधर को घूम के जा रही है। अगर मैं इधर से रोशनी लाता और ये आर एंगल के ऊपर यहाँ पे ये पड़ता तो आई पे निकल जाता, निकल जाता ना पक्का। ओके अब मैं इसको इससे मिला देता हूँ, इस केंद्र को इससे मिला देता हूँ। ये एंगल क्या बना? फिलहाल यहाँ पर ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये आर बन गया, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस आर बन गया। अब देखो नॉर्मल से आर एंगल बनाते हुए पानी के अंदर से एक लाइट आके यहाँ पड़ रही है। अगर आर एंगल बनाते हुए पानी के अंदर से यहाँ पड़ती तो आई बनाते हुए निकलना चाहिए था। ये वही काम यहाँ हो रहा है कि नहीं? ये आर एंगल नॉर्मल से आर एंगल बनाते हुए पानी के अंदर से आते हुए यहाँ पड़ी, तो इसको आई एंगल बनाते हुए निकलना नहीं चाहिए क्या? ये तो क्रिटिकल से छोटा है, तो इसको यहां क्यों नहीं निकलना चाहिए? इसको ये आर बनाते हुए क्यों नहीं निकलना चाहिए? आई बनाते हुए इसको नॉर्मल से और आई बनाते हुए क्यों नहीं निकलना चाहिए? यहां TIR कैसे हो सकता है? आई ग्रेटर देन आर होता है क्या? हाँ वो इधर हवा है ना, हवा है, इधर पानी है, तो आई ग्रेटर देन आर तो होता ही है, नॉर्मल के तरफ बेंड करता है, और यहाँ निकलेगा तो नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड करेगा, तो ये ऐसे जाती, अगर न बेंड करती तो ऐसे जाती, ये है नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड कर गया, तो वो तो ठीक बहुत बढ़िया है। साइन आई बटा साइन इधर से चाहे लो चाहे यहाँ से लो, साइन आई बटा साइन आर शुड बी 4/3। यहाँ TIR कैसे हो सकता? और मैथमेटिक्स जो है वो स्नेल साहब ने अपने गणितीय ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए नहीं बनाया था, ये रूल जो प्रकृति में होता है उसी को बनाने के लिए, बताने के लिए रूल बनाया है। तो ये मैथमेटिक्स से नहीं आ रहा है ये चीज़ें, ये फिजिक्स से आ रही है चीज़ें, जो हो रहा है नेचर में वहाँ से आ रही है चीज़ें। और अगर इसको इधर निकल जाना होता तो हमें दिखता कैसे ये रेनबो? अगर ये लाइट इधर निकल गई होती तो हम जो इधर से अच्छा खासा रेनबो देखते हैं वो देखते कैसे? अब दोनों तरफ से फंसे। आपने कहा TIR हो गया, तो मैं कहूँगा स्नेल्स लॉ का क्या हो गया, और आपने बोला नहीं नहीं निकल गई बाहर, तो रेनबो क्यों दिख रहा है? और रेनबो दिख रहा है, और इस पर भी पूरा विश्वास है मुझे, इस पर भी मुझे पूरा विश्वास है। अब खोजना पड़ेगा, जब दोनों चीजें हो रही हैं और दोनों चीजें अपने को दिख रही हैं कि हाँ ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, इसको मान के चलते हैं तो वो गड़बड़ाता है, उसको मान के चलते हैं तो वो गड़बड़ाता है, तो कहीं तीसरी जगह खोजना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ है। बूंदे जो है स्फेरिकल नहीं है, खत्म कर देता हूँ उसका, रहस्य खोल देता हूँ। अच्छा नहीं तो रातों को नींद नहीं आएगी।
ये भी दिखा देंगे, ठीक है। तो क्या है कि जब लाइट पड़ती है ना, तो उसके पास में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों करने का ऑप्शन एक साथ होता है, राइट। जो हमारे खिड़की में शीशे होते हैं, अगर आप घर के अंदर रहिए, कमरे के अंदर रहिए, रात को बल्ब जल रहा हो और बाहर में पूरा पावर कट हो जाए, स्ट्रीट लाइट बंद, अड़ोस पड़ोस के घरों में इन्वर्टर नहीं है, खाली मेरे ही घर में इन्वर्टर है, सब तरफ बंद, तो खिड़की में अपना प्रतिबिंब खूब अच्छा दिखाई पड़ता है। यानी लाइट जो चल रही है ना, वो शीशे से रिफ्लेक्ट हो रही है, और वही जब बत्ती आ जाती है तो हमें अपने प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है, उधर वाली लाइट भी इधर आना शुरू कर जाती है। तो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दोनों ही होते हैं, ठीक है ना। तो यह ये जो चित्र हमने पूरा बना रखा है, ये चित्र, ये इसको मैंने मिटाया नहीं, इसको निकाला तो इसने मैंने इसको मिटाया नहीं, अच्छा किया नहीं मिटाया। रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। जब भी मीडियम चेंज होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाते हैं, तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होते हैं। तो ये सही चित्र है, ये चित्र सही नहीं है, ये चित्र सही नहीं, यहाँ भी मुझे ये करना चाहिए था। एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट करेगा, एक पार्ट उसका रिफ्रैक्ट करेगा। जो पार्ट रिफ्लेक्ट कर गया वो, उसको रेनबो से कोई मतलब नहीं है, जो रेनबो हम देख रहे हैं उसको इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो अंदर घुसा है यही हमको रेनबो दिखा रहा है। ये यहाँ आने के बाद इसका एक पार्ट बाहर निकला है और एक पार्ट रिफ्लेक्ट किया है। इस ये हमें कोई सहायता नहीं करने वाला रेनबो की, लेकिन हम इससे देखेंगे रेनबो। और जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा मामला होने वाला है, ये शायद सेकेंडरी वेकेंडरी में काम आ जाएगा। तो लेकिन हमें जो प्राइमरी रेनबो दिख रहा है वो इससे दिख रहा है, हो ये भी रहा है। इसी तरह हो ये भी रहा है, ये भी हो रहा है। हर एक जगह पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों साथ साथ, अनलेस कि आपका जो इंसिडेंस का एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा न हो जाए। पहले तो आप रेयरर से और डेंसर में जाएंगे तो कुछ सवाल नहीं है। डेंसर से जब आप जाएंगे रेयरर में, तब सवाल उठेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि TIR हो गया। अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ, राइट, अगर ये एंगल जो है, ये मान लीजिए कि आपका इधर ही बनाते हैं, डेंसर नीचे रहता है, रेयरर ऊपर रहता है, हाइड्रोस्टैटिक्स डेंसर नीचे रहता है, रेयर ऐसे ही बनाते हैं। तो अगर हमारा डेंसर से जा रहा और ये ऐसे अगर है, तो इसका चित्र बनेगा कि ये ऐसे गया और ऐसे गया, ये है कंप्लीट पिक्चर। लेकिन यही एंगल अगर बड़ा हो गया, ऐसे हो गया, तो फिर ये है सही चित्र, ये हो गया आपका TIR, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर गया। यहाँ भी रिफ्लेक्ट किया है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं रिफ्लेक्ट किया, कुछ बाहर भी निकला है, कुछ रिफ्लेक्ट भी किया है। तो इस तरीके का सारा सिचुएशन है, तो इसलिए रेनबो में TIR नहीं होता है।